अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद आदिल है एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का मेरा टॉपिक है लाइटनिंग के हवाले से कि लाइटनिंग क्या है और लाइटनिंग की वजह से क्या क्या चीज़ें हमारे पास होती रहती हैं या क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स लाइटनिंग के हैं। तो लाइटनिंग जैसे हम जानते हैं कि सेंचुरीज से हमारे जो इंसान हैं, जो पीपल हैं, जो ह्यूमन बींग्स हैं, उसको फैसिनेट करती आ रही है। और ये होती कब है? इट इज़ रिजल्टिंग व्हेन द इलेक्ट्रिक चार्जेस विद इन द थंडरस्टॉर्म, जो थंडरस्टॉर्म के अंदर जो इलेक्ट्रिक चार्जेस होते हैं वो डिसबैलेंस हो जाते हैं, इम्बैलेंस हो जाते हैं और हमारे जो थंडरस्टॉर्म है इससे बाहर चले जाते हैं, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज हो जाता है। इस इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होने की वजह से क्या होता है, जब इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज हो जाता है और ये हमारे एटमॉस्फेयर में आ जाती है तो एटमॉस्फेयर में हमारे पास ओजोन लेयर है। जब ये ओजोन लेयर से लाइटिंग स्ट्राइक करती है इसकी वजह से हमारे पास स्मेल जनरेट होती है। जो स्मेल जनरेट होती है वो उसी कैटेगरी से क्या होती है वो हम आज इसकी वीडियो में पढ़ेंगे। तो लाइटनिंग ना कि सिर्फ हमें विजुअल्स अच्छे देती है, ना ये थंडर जनरेट करती है, इसके अलावा ये स्मेल भी जो है वो जनरेट करती है। जैसा कि हम जब बारिश होती है, बारिश से पहले के जो आसार होते हैं उस वक्त हमें स्मेल सी आ रही होती है, हमें अंदाजा नहीं होता कि हम वंडर कर रहे होते हैं कि यार ये जो स्मेल आ रही है वो किस हवाले से आ रही है, किस वजह से आ रही है। हम समझते थे कि ये मट्टी की खुशबू है, बट ये मट्टी की खुशबू नहीं होती है, किस चीज़ की होती है? जब थंडरस्टॉर्म स्ट्राइक करता है किसको, ओजोन लेयर को। जब ओजोन लेयर को स्ट्राइक करता है इसकी वजह से हमारे पास जब ओजोन लेयर दोबारा बनती है उसकी वक्त जो जनरेशन होती है स्मेल की वो हमें प्लेजेंट लग रही होती है। तो आज की इस वीडियो में हम यही सब डिस्कस करेंगे कि ओजोन लेयर क्या है, लाइटनिंग क्या है और किस तरीके से जो ओजोन लेयर बनती है या ओजोन लेयर हमारी एटमॉस्फेयर में या हमारी ज़िंदगी में क्या रोल प्ले कर रहा है। तो यही सब बातें हम आज इस वीडियो में पढ़ेंगे, तो आइए स्टार्ट करते हैं। लाइटनिंग इज बेसिकली अ जायंट स्पार्क ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो कि एटमॉस्फेयर में होता है बिटवीन क्लाउड्स एयर एंड द ग्राउंड। लाइटनिंग इज अ डिस्चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जैसा हम ये बात जानते हैं कि अ सिंगल स्ट्रोक ऑफ लाइटनिंग कैन हीट द एयर अराउंड 30,000 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि 30,000 डिग्री सेंटीग्रेड जो इतना टेम्परेचर जो है हमें हासिल होता है जब आपके पास बेसिकली जब लाइटनिंग होती है। दिस एक्सट्रीम हीटिंग कॉज द एयर टू एक्सपेंड एक्सप्लोसिवली फास्ट। The expansion creates a shock wave that turns into booming sound wave known as a thunder. हमने जो बात की थी इसमें थंडर की बात की थी और जो कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास लाइटनिंग की ये जो है वो विजुअल्स अच्छे देता है, थंडर अच्छे देता है और हमारे पास बेसिकली स्मेल जनरेट होती है ओजोन से। अब ओजोन क्या है वो हम देख लेते हैं। ओजोन बेसिकली ओजोन इज इनऑर्गेनिक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल विद द केमिकल फॉर्मूला ऑफ O3, जैसे हम देख सकते हैं उसमें भी बेसिकली अपना जो मॉलिक्यूल है इसका उसमें हम देख सकते हैं कि उसमें तीन ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल हैं जो एक दूसरे के साथ केमिकली बॉन्डेड हैं। अच्छा, इसमें कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे हैं कि ऑल्सो कॉल्ड ट्राई ऑक्सीजन, पावरफुल ऑक्सीडाइजर। अच्छा, पावरफुल ऑक्सीडाइजर क्यों है, क्योंकि ये जो है अगले ऑक्सीडाइज करके खुद रिड्यूस होना चाहते हैं। जैसे हम जानते हैं कि ऑक्सीजन जो है -2 में रहना पसंद करता है। अच्छा, पंजेंट ऑर्डर है इसकी, बैंड स्ट्रक्चर है, पैरामैग्नेटिक है, पेल ब्लू गैस है ये, डीप ब्लू लिक्विड है, वायलेट सॉलिड है, यानी तीनों कैरेक्टर्स रखते हैं, गैस भी है, लिक्विड भी है, सॉलिड भी है। अच्छा, इन द एटमॉस्फेयर इट प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट यूवी रेडिएशन, ये बात मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से जो है वो हमारे पास ओजोन लेयर हमारी हेल्प करती है। अच्छा, ऑन द ग्राउंड इट इज द पॉल्यूटेंट एंड रिस्पायरेटरी इरिटेंट, यानी कि अगर ग्राउंड में मौजूद है हमारे पास एटमॉस्फेयर में जहां पे हम रह रहे हैं, अगर हम यहां पर ओजोन लेयर इनहेल करना शुरू करते हैं तो हमारे लिए इरिटेंट होगी या पॉल्यूटेंट एज अ काउंट होगी। अच्छा, यूजेस इंक्लूड्स ब्लीचिंग, डिसइंफेक्शन एंड ड्यूडोराइजिंग। अच्छा, अब ये क्यों इसलिए इस्तेमाल होता है, बिकॉज इट इज ऑक्सीडेंट, ये ऑक्सीडाइजर है, ब्लीचिंग में भी ऑक्सीडाइजर यूज होता है, डिसइंफेक्शन में भी जो है वो हमारे पास ऑक्सीडाइजर यूज होते हैं। और इसके अलावा यूज टू मेक मेनी ऑर्गेनिक केमिकल्स, यानी दीगर जो हमारे पास केमिकल बन सकते हैं ऑर्गेनिक के, वो हम बाय यूजिंग ओजोन हम बना सकते हैं। अब हमारे पास जो एटमॉस्फेयर है इसमें तीन चार किस्म के एनवायरमेंट्स होते हैं, जैसे एग्जोस्फेयर हो गया, थर्मोस्फेयर होती है, मीजोस्फेयर हो गया, स्ट्रेटोस्फेयर हो गया और थर्मोस्फेयर होता है। हमने ये जो एनवायरमेंट बनाए हुए हैं ये बेसिकली टेम्परेचर को मद्देनजर रखते हुए बनाए। एग्जोस्फेयर में टेम्परेचर फ्रीजिंग होता है, थर्मोस्फेयर में जो है बहुत ज्यादा हाई होता है, इसलिए मीजोस्फेयर में कुछ और होता है, स्ट्रेटोस्फेयर में कुछ और, स्ट्रेटोस्फेयर में ठंड होती है और आ जाता है ट्रोपोस्फेयर। हम जो जिस एनवायरमेंट में सांस ले सकते हैं या जिंदा रह सकते हैं हमारे पास स्ट्रेटोस्फीयर होता है। अच्छा, स्ट्रेटोस्फीयर में क्यों, ये बताने का मकसद क्या है कि हमारे पास जो ओजोन लेयर है
वो स्ट्रेटोस्फीयर में लाइट करती है, और जो भी हमारे पास यूवी रेडिएशन आ रही होती हैं सूरज की तरफ से या बाहर एनवायरमेंट से आ रही होती हैं, वो बेसिकली इस ओजोन लेयर को पे अटैक करती है और ये ओजोन लेयर हमें प्रोटेक्ट करती है उस यूवी रेडिएशन से। जैसा कि इस पिक्चर में मैंने दिखाया है कि हमारे पास जो यूवी लाइट्स होती हैं बेसिकली इनके दो फेज होते हैं, एक जो 400 से कम होते हैं और एक जो 400 से ज्यादा होती है नैनोमीटर, यानी इनकी जो वेवलेंथ होती है वो जो 400 से कम होती है वो हमारे पास अल्ट्रा वायलेट कहलाती है, और दूसरी जो हमारे पास 4000 से ज्यादा होती है वो अल्ट्रा दूसरी कहलाती है, विजिबल रीजन में आ जाती है वो। तो जो हमारे पास 400 से कम वाली होती है वो हमारे लिए नुकसानदेह होती है क्योंकि फ्रिक्वेंसी ज्यादा होती है, इनकी एनर्जी ज्यादा होती है, वो हमारी स्किन में पेनिट्रेट कर सकती है। तो बेसिकली ये जो यूवी लाइट होती है जो हमारे नुकसानदेह, वो ओजोन लेयर जो है उनको रोक देता है। ओजोन लेयर उन लाइट्स को, उस एनर्जी को, उस ईएमआर को, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को एब्जॉर्ब करके खुद को स्प्लिट कर देता है और देन ओजोन लेयर अगेन बन जाती है। अब आते हैं हमारे मेन टॉपिक की तरफ, किस तरीके से हमारा जो ओजोन लेयर फॉर्मेशन होती है ड्यूरिंग अ थंडरस्टॉर्म और स्मेल जनरेट होती है। तो जैसा कि हमारे पास डायग्राम में नजर आ रहा है कि एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो हमारे थंडरस्टॉर्म की एनर्जी है वो ओजोन मॉलिक्यूल पे जब टकराती है तो ओजोन के अंदर जो ऑक्सीजन एटम्स होते हैं वो रेडिकल में कन्वर्ट हो जाते हैं। रेडिकल एक हाई रिएक्टिव बेसिकली एटम होता है जो बहुत ज्यादा एनर्जी रखता है और फौरन रिएक्शन करके अपने आप को अपनी स्टेट, अपनी रिएक्टिव स्टेट चेंज करना चाहता है, स्टेबिलिटी की तरफ जाना चाहता है। ठीक है, तो जैसे ही हमारे पास जो है एनर्जी टकराती है ओजोन लेयर से तो ऑक्सीजन के रेडिकल्स बन जाते हैं और वो रेडिकल अगेन जो है वो दूसरे रेडिकल से कंबाइन होकर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बनाते हैं, और ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो है दोबारा ऑक्सीजन रेडिकल के साथ, जो ऑक्सीजन रेडिकल आसपास कहीं ना कहीं मौजूद था वहां पे उस पर अटैक करके ओजोन लेयर बना देता है। और जैसे ही ओजोन फॉर्मेशन होती है उसी टाइम पे एक स्मेल या एक बेसिकली ऑडोर जनरेट होती है जिसको हम ओजोन ऑडोर कहते हैं, और यही प्लेजेंट स्मेल जब रेन के थ्रू या एयर के थ्रू हम तक पहुंचती है तो हमें बहुत अच्छा महसूस होता है, बहुत प्लेजेंट महसूस होता है। तो यही हमारे जो रेन है उसका लुत्फ दोबाला कर देता है और हमें बहुत ही प्यारी स्मेल, बहुत मीठी मीठी सी स्मेल या नमकीन सी स्मेल हम तक पहुंच रही होती है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, मजीद वीडियो के लिए काइंडली शेयर करें। थैंक यू।